हमारे सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक नया जो बेड़ा हमने लगभग 1000 बसों की जो हमने खरीद की थी उसके पहली खेप 75 बसों की आज जो है उन्होंने शुरू कर दी है, चला दी है, जिसकी अभी हरी झंडी दे करके जिसको चलाया गया है और बहुत जल्दी ये बाकी बसें भी फिजिस में कंपनी द्वारा बात हुई है तो वो जल्दी से शुरू करेंगे। इस 31 मार्च तक ही कितनी 250-400 बसें इस 31 मार्च तक पूरी हो जाएंगी, उसके बाद फिर अगले 3 महीने में सारी 1000 बसें पूरी करके और खुजला दिया जाएगा और इससे जो हमारा जो बेड़ा है रोडवेज की बसों का वो काफ़ी अच्छी संख्या लगभग जो सारे हमारे प्राइवेट मिला करके किलोमीटर से मिला करके ऊपर हो जाएगा और हरियाणा के लोगों को इसकी एक सुविधा मिलेगी, हरियाणा के लोगों को बहुत बहुत। ये बताएं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के आजकल बहुत दौर चल रहा है और ये थोड़ा पर्यावरण का भी उसमें संरक्षण है, इसकी क्या योजना है? 550 ईवी बसेस का भी ऑर्डर दे दिया है, वो भी बहुत जल्दी आने वाली हैं, उनको भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग डिपोज में बांट दिया जाएगा। पहली जो 100 बसें आएंगी उसमें 50 बसें गुरुग्राम में, 50 फरीदाबाद में, 100 बसें वहाँ जाएंगी। इसके अलावा बाकी जो 450 बसें हैं वो भी अलग अलग रूट्स के ऊपर अलग अलग डिपो में बांट दी जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्र से बहुत ज़्यादा समस्याएं सामने आती थी, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी हमारी जो बसें हैं उनके रूट बढ़ जाएंगे और उसमें खास करके जो मिनी बसेज हैं उनकी भी हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं ताकि जहाँ सवारियाँ कम होती हैं जिस रूट पर उस पर मिनी बसेज चलाई जा सकें ताकि उसकी जो वायबिलिटी है वो चल सके। महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं आप सबके माध्यम से हरियाणा की जनता को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और प्रभु से कामना करता हूं कि हरियाणा की जनता। एक इसी हल्के सवाल है सर, भिवानी में जो राजस्थान से हत्याकांड हुआ है उसको लेकर हालांकि गिरफ्तारी भी हो चुकी है और इस केस में क्या किया जा रहा है और किस तरह से सारे मामले सारे पुलिस की भूमिका पर भी सवाल सारे मामले पर पूरा ध्यान बना हुआ है और चूंकि ये केस राजस्थान का है राजस्थान पुलिस के साथ हरियाणा पुलिस पूरा कोऑर्डिनेट करके और उस सारे विषय पर ध्यान रखे हुए किसी भी दोषी को कल्पित को छोड़ा नहीं जाएगा। 6-7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और भी अगर इसमें संदिग्ध कोई लोग मिलेंगे तो की जाएगी, किसी भी कारण से किसी बात की नहीं बची जाएगी।